अपन कर रहे थे कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कर रहे थे अपन, है ना। मीन्स कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉम्पिटेंट है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहला जो हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो पहला हमने क्या किया था, मेजर मेजॉरिटी एज वाला। तो मेजर का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, तो माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। अब देखो इन कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे, कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। अब देखो ये तो था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज था, है ना। अब देखो इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज को डिस्कस करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हैं, कैपेसिटी के। ठीक है, तो इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होगी, फर्स्ट माइनर, सेकेंड क्या हो जाएगा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो जाएगा, है ना। और थर्ड क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ और स्टेटस। यहां तक किसी को डाउट है कोई। नो मैम। अब देखो अब माइनर, तो अब माइनर के हम पढ़ेंगे माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होगा, देखो। अगर वो लोग माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहेगा इसमें, तो हम उसकी लीगल पोजीशंस करेंगे। मीनिंग मैंने उस दिन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब देखो माइनर कैन बी, एक तो माइनर के साथ जो भी है एग्रीमेंट होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विथ माइनर क्या हो जाएगा, वॉइड। वॉइड की मीनिंग बताओ। मैम नल जीरो नल जीरो, नहीं मेरे को अच्छे से मीनिंग बताओ वॉइड की। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ शायद। शायद कौन है ये शायद वाला, हर्ष तो हितैषी, वही तो बोल रहे, बताओ क्या होता है। आयुषी बताओ, तुम बताओ फिर से, किसी को रीड करना है तो रीड करो जो भी लिखा है, क्योंकि इससे अच्छी मीनिंग मिलेगी नहीं आप लोगों को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, है ना। क्लियर करना है कि नोट करना है तुम लोगों को। कर लिया मैम नोट। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें देखो इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो माइनर एग्रीमेंट है उसमें क्या लिखा है, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मींस व्हाट, हाँ कोई तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग भी बोल रहा था, थप्पड़ लगाऊंगी ना मैं। देखो इट मींस क्या, अगर हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बोल रहा है कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। और मैंने वॉइड की मीनिंग बताई थी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस के बाद वो वॉइड होता है, मतलब पहले वैलिड होता है बट उसके बाद वो क्या बन जाता है, वॉइड बनता है। लेकिन अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो वो किसी भी सिचुएशन में वैलिड नहीं होगा, वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही क्या है, वॉइड है। तो माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, और एब इनिशियो की मीनिंग क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, नो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मींस क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर सपोज जब इसका कॉन्ट्रैक्ट इसने बनाया था तब वो 17 ईयर्स का था, 1 साल के अंदर समझो ये 18 साल का हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे अब तो ये 18 का हो गया ना, अब तो ये लॉ के अकॉर्डिंग तो मेजॉरिटी की एज में आ गया है, तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, नो रेटिफिकेशन। क्यों
क्योंकि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, मतलब क्या था, नल था. आफ्टर द, आप बोलोगे कि सब्सिक्वेंटली एक महीने के बाद तो ये मेजर हो जाएगा, नहीं, आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही गलत माना जाएगा. अगर वो एक साल में 18 इयर्स का हो रहा है या दो दिन में हो रहा है तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है. और उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो रेमेडीज वगैरह अवेलेबल है वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगी. याद रखना, अगर कोई चीज वॉइड है तो इट मीन्स वॉइड है, आप उसको लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और प्रोमिसी. इसमें एक वर्ड ऐड कर रही हूँ मैं, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और प्रोमिसी. क्या होता है ये बेनिफिशियरी? मैं मतलब उसको पैसे मिल सकते हैं. हाँ, प्रॉफिट्स, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रॉफिट है ना वो इसको मिलेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं रहेंगी या इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी. हमने पार्टनरशिप में माइनर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़े, है ना. तो थोड़ा थोड़ा उससे कोरिलेट करेंगे आप लोग. नो स्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर, ये क्या होता है स्टॉपल? No, ma'am. देखो, अगर ये मिसरिप्रेजेंट करता है तो ये 18 इयर्स का है, बट इन रियलिटी वो नहीं है, ठीक है. तो इसने मिसरिप्रेजेंट किया, ठीक. तो अब कोर्ट में इसकी गलती हो है कि इसने गलत किया है, फिर भी कोर्ट इसको कभी भी लायबल नहीं मानेगी फॉर एनी कोर्ट केसेस, ठीक. नो एस्टॉपल मींस ये होता है, इसके ऊपर फिर भी कोई केस नहीं होगा. लेकिन इसका मतलब इसके पास ये राइट्स नहीं है कि ये अपने आप को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है फैक्ट्स को, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट सॉरी कोर्ट इसको डायरेक्ट करेगी कि आपने जो भी प्रॉपर्टी ली है या आपने जो भी बेनिफिट्स लिए हैं वो रिटर्न करो, लेकिन ये लायबल नहीं रहेगा. लायबल मींस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसके ऊपर कोर्ट केस हो रहा है, वो सब नहीं होगा. हाँ, इसको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल गए हैं वो इसको रिटर्न करने पड़ेंगे, बट इट कैनॉट मीन्स या उसका बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि इसके ऊपर कोर्ट केस चलेगा या फिर उसके ऊपर क्या फाइन लगेगी या ये किसी चीज के लिए लायबल रहेगा, नहीं. आ रहा है समझ में? नो एस्टॉपल मीन्स नेक्स्ट. देखो मैम, स्पेलिंग गलत लिखी है. क्या गलत लिखी है मैम? गूगल सर्च की तो ESTOPPEL बता रहा है और आपने सेकंड वाले में रेक्टिफिकेशन बोला, लेकिन सेकंड में रेटिफिकेशन लिखा है. बेटा वो रेटिफिकेशन ही है, करो गूगल करो, रेटिफिकेशन करो, ये लॉ का वर्ड है बेटा, रेटिफिकेशन है ना, उसमें रेक्टिफाई नहीं लिखा रहता है कभी भी, उसमें कभी भी रेक्टिफाई नहीं रहेगा. करो गूगल करो सब. आपने बोल रहे हो कि ऑफिशियली वैलिड करना, तो मैंने यही तो बताया कि अगर आप बोल रहे हो कि आपके माइनर हो से मेजर होने में एक साल का डिफरेंस था और अभी तो आप एक साल के हो गए हैं तो हम इसको वैलिड बना देते हैं, तो मैंने यही तो बताया कि हम इसको कभी भी वैलिड नहीं मानेंगे, ये वॉइड है तो इट मीन्स ये वॉइड ही रहेगा. आया समझ में? यस मैम. तो रेक्टिफाई जैसे कोई वर्ड नहीं होता है लॉ में, याद रखना, ठीक. नेक्स्ट देखो, ये स्टॉपल में ये डबल भी रहेगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. नेक्स्ट देखो, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. मैंने बताया कि ये कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह किसी भी चीज के लिए ये भी लायबल नहीं है, नो लायबल है ना, कोई परफॉर्मेंस के लिए ये कुछ नहीं रहेगा, ये सिर्फ अगर आया है तो फॉर द बेनिफिट्स आया है बस, ये जो बेनिफिशरी लिखवाया था ये. नेक्स्ट देखो, लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ टॉर्ट्स. ये इसको बताओ, टॉर्ट्स की मीनिंग बताओ. ये बहुत सिंपल है. अगर ब्रेक करना मींस है ना, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट में तो है, माइनर है, बट इसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए हम उसका क्या रीड करें, लीगल रिलेशन. तो अगर ये किसी प्रॉपर्टी को
डैमेज करता है ना, तो इसके ऊपर सिविल लायबिलिटी बनेगी। देखो लायबिलिटीज कभी भी दो टाइप की होगी, एक होती है सिविल और एक होती है क्रिमिनल। तो जो कोर्ट केसेस या डैमेजेस वगैरह के लिए फाइल करते हैं उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि सामने वाले को पनिशमेंट मिलती है ना क्रिमिनल केसेस। लेकिन जो सिविल में होता है ना, इसके ऊपर केस चलता है, एक ऑर्डर आता है, रूल आता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कोई पनिशमेंट या कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते, तो वो उस लायबिलिटी को बोलते हैं सिविल लायबिलिटी। तो अगर ये कुछ चीजें ब्रेक करता है तो इसके ऊपर सिविल लायबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसने हॉर्स लिया था फॉर द राइडिंग, सपोज है ना, हॉर्स राइडिंग के लिए है। आप जैसे 18 साल के जो कम इयर्स वाले होते हैं वो हॉर्स राइडिंग वगैरह क्लासेस के लिए जाते हैं, ठीक है। सपोज इसने वहां पे अपने फ्रेंड को दे दिया हॉर्स, ये कॉमन एग्जाम्पल है ना, क्योंकि जब फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिलके जाते हैं आप लोग हॉर्स राइडिंग में, तो आपने वहां पे अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व किया। उसकी क्लासेस नहीं है हॉर्स राइडिंग की, लेकिन आपकी है, आपको हॉर्स राइडिंग करवाई जा रही है, तो वो जो राइडर है जो आपको सिखा रहा है वो आपके लिए लायबल है। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को दे रहे हैं और वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, ठीक, और उसको नहीं आती हॉर्स राइडिंग, वो जंप कर दिया हॉर्स से और हॉर्स को भी कुछ नुकसान हो गया, तो उसको जो नुकसान हुआ है डैमेज, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, तो टॉर्ट उसको बोला जाता है। आ रहा है समझ में? लायबल फॉर एक्ट ऑफ टॉर्ट्स। नेक्स्ट देखो, नो इंसॉल्वेंसी, ये कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एडमिशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो पूरा पार्टनरशिप में डिस्कस किया था ये वही है। माइनर कैन बी एजेंट बट नॉट लायबल फॉर एक्सीडेंट, ये भी वही है जो हमने पार्टनरशिप में पूरा डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखो, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज क्या होती है, नेसेसरीज की मीनिंग पूछ रही हूँ मैं, कोई माइनर से कोरिलेट नहीं करने बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं आपको सिर्फ नेसेसरीज की मीनिंग बताने बोल रही हूँ। मैम जो जरूरत के काम की है। हाँ, नेसेसरी मींस एसेंशियल्स बोल सकते हैं ना, एसेंशियल्स को। अब देखो इसमें एक वर्ड ऐड करना आप लोग, फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसमें एक वर्ड क्या ऐड करेंगे आप लोग, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे कि सपोज गार्डियंस एक्ट होता है। अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखी है स्पाइडरमैन होमकमिंग, फार अवे फ्रॉम होम? यस मैम, देखी है ना सबने कि नहीं देखी है? नहीं देखी है तो नॉनसेंस हो फिर। कौन कौन नहीं देखा है? रवि, हर्ष, नहीं देखी स्पाइडरमैन? देखा है मैम, देखा है, देखा है ना। हाँ, नम्रता? यस मैम, देखी है। हाँ, तो अब देखो उसमें ऐसा कोई एक्ट था नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें जब उसको वो गॉगल्स वगैरह दिए जाते हैं या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो किसकी मिलती है उसको, स्पाइडरमैन को? टोनी स्टार्क की मिलती है, ठीक है। लेकिन जब वो लास्ट में मिसयूज करता है उस पावर्स को, तो क्या होता है उसकी पावर्स को, वापस ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं फर्स्ट पार्ट में? मैम ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं? देखो, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, अगर आपको कोई नेसेसरीज सप्लाई करता है, ठीक है, अगर देखो अगर आपको कोई नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है और अगर आप उसका मिस यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें आपसे वापस ले ली जाती हैं। तो उस केस में स्पाइडर, वो जो टोनी स्टार्क है उसको समझो, वो उसका गार्डियन है, उसको सिखा रहा है, और स्पाइडरमैन कौन है, एक माइनर है, उनके एक्ट के अकॉर्डिंग।
तो देखो उससे जब वापस ले ली जाती है तो उसकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स यहाँ पे क्या होता है, अब मूवी से ध्यान हटाओ ठीक है, वो मैंने सिर्फ तुमको एंटरटेन करने के लिए ही बोला था, अब इस पे आ जाओ माइनर पे। तो माइनर को सपोज अगर कोई फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है उसके गार्डियन के थ्रू ठीक है, या एक माइनर को कोई ट्रस्ट उसको फूड वगैरह डेली नीड्स की चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए उसको उसको मनी पे करना पड़ेगा, याद रखना। तो उसका जो मनी रहेगा ठीक है, वो सब उसका उसको फीस देना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, सपोज अगर उसके लिए कोई सर्वेंट वहां पे लगा दिया है वो ठीक, मेडिकल एडवाइस है, या फिर उसका एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है ठीक, अगर उसका जो डेली नीड्स है सपोज बाईसाइकिल्स वगैरह वॉट एवर, अगर उसको एक हाउस प्रोवाइड किया गया है, तो ये सारी चीजों के लिए वो लायबल रहेगा। लायबल मीन्स क्या, फ्री में नहीं दी जाएंगी उसको सर्विस, उसके लिए उसको पे बैक करना पड़ेगा मनी, जिसको हम बोलेंगे लायबल फॉर नेसेसरीज। फॉर एग्जिस्टेंस वर्ड इसीलिए लिखा था कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, एग्जिस्टेंस उसके जीने के लिए। देखो फूड, मेडिकल, एजुकेशन, ये एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक श्योरिटी है, श्योरिटी क्या होता है, गारंटर। श्योरिटी मीन्स व्हाट, एक गारंटर, श्योरिटी फॉर अ माइनर। यहां पे देखो श्योरिटी मीन्स गारंटर, कोई होगा जो उसकी गारंटी लेगा ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, अब देखो अगर कोई गारंटर बन रहा है किसका, माइनर का ठीक है, और ये 18 से ज्यादा साल का होगा, सपोज ये 21 का होगा या 25 का होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ठीक है, तो जो लाइबिलिटीज है माइनर की, तो वो पूरी की पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गारंटर। अगर माइनर कुछ गलत कर रहा है, तो मैंने बताया कि अगर ये कुछ गलत करता है टॉर्च वगैरह, तो इसको सिविल केस होगा इसके ऊपर। लेकिन अगर इसके साथ एक श्योरिटी है उसके बाद भी ये कुछ गलत कर रहा है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के अगर चांसेस होंगे तो वो भी इसके ऊपर लगेंगे, और वो पूरा का पूरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसके गारंटर की। आ रहे समझ में, यस मैम। ठीक है। तो अब ना मेरे ख्याल से 1 मिनट, चलो मैं क्लास एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं ज्यादा नहीं हूँ उसमें लैपटॉप। ठीक है, तो पूछ सकते हो कुछ भी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं पीपीटी से पढ़ा नहीं पाऊंगी। बोलो। मैम हाँ मैम वो बोलो। माइनर शेयर होल्डर बता सकते हैं मैम, मैंने सुना नहीं वाला। माइनर शेयर होल्डर हो सकता है ना बेटा, अपन उस वो नहीं कर रहे थे जब अपन पार्टनरशिप एक्ट, तो उसमें बताया नहीं था कि वो फर्म का पार्टनर बन सकता है, तो पार्टनर की जगह पे शेयर होल्डर रख दो। ओके मैम। और कुछ डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है चलो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। थैंक यू मैम। ओके बेटा।